कमाएंगे और खुद अपने हिसाब से खर्च करेंगे, खर्चा करेंगे। तो मैंने इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म भरा, पढ़ने में हमेशा अव्वल था, इसलिए ऊपर वाले की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से पहले ही अटैम्प्ट में मेरा इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में सिलेक्शन हुआ। बड़ा खुश और बड़ा एक्साइटेड कि अब तो मजे आ गए, अब तो लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। मम्मी पापा से पीछा छूटेगा, भाषणबाजी से पीछा छूटेगा, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जिएंगे। ट्रेनिंग के लिए मैं गया, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा एक अलग ही तरीके से स्वागत हुआ वहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने बोला कि पैसा कब मिलेगा, क्योंकि मेरा फोकस, मेरी उम्र तो 18 साल थी उस टाइम में, ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी। तो मैंने जाते पूछा पैसा कब मिलेगा, बोले कौन सा पैसा। मैंने बोला अरे नौकरी करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बोला मिलेगा, तो पहले एक महीना तो होने दो, जब महीना हो जाएगा तो महीने के आखिर में आपको तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पहली तनख्वाह के लिए बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में वो महीना बिताया, लेकिन जिस दिन पहली तनख्वाह हाथ में आई उसी दिन एक बात क्लियर हो गई कि जिंदगी में जो भी ऐश होती है वो तो पापा के पैसों से ही होती है। ये सुनो, क्योंकि उन्होंने गिन के पैसे दिए और बोला एक महीना इसको चलाना है, एक महीने के बाद में ही मिलेंगे। मैंने कहा बीच में खत्म हो गए लोग, वो बोला कुछ नहीं कर सकते। पापा का सिस्टम अच्छा था, आज मिले अगर खत्म हो गए तो अगले दिन भी। खैर अपनी जिंदगी चलने लगी। लाइफ की अगर बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स की लाइफ बड़ी शानदार है, जिंदगी खूबसूरत है, बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलती हैं, रहना फ्री, खाना फ्री, घूमना फिरना फ्री, मेडिकल फ्री, कैंटीन फैसिलिटीज़, दुनिया भर की छुट्टियाँ मिलती हैं हमें। सुबह 7 बजे जाओ, 2 बजे वापस आ जाओ, शाम को आप खाली हो, मंडे टू फ्राइडे जाना है, शनिवार इतवार छुट्टी। तो सब कुछ बड़ा ही मस्त था वहाँ पे, पैसे वाले मामले को छोड़ के। खैर धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को सेट कर लिया हर एक इंसान की तरह, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे बीच में ऐसे ही होते हैं कि अपनी कमाई के हिसाब से अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं। ये सुनो, कोई जो 10,000 रुपये कमा रहा है उसने 10,000 में अपनी ज़िंदगी सेट कर ली, जो 50,000 रुपये कमा रहा है उसने 50,000 में अपनी ज़िंदगी को सेट कर दिया। ये सुनो, यानी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से पैसे नहीं कमाते, जो पैसे कमाते हैं उसके हिसाब से अपनी ज़रूरतों को सेट कर देते हैं। ऐसा ही होता है। तो मैंने भी वही किया, करके मेरी ज़िंदगी चले जा रही थी, ऐसे करते करते तकरीबन 14 साल बीत गए। अचानक एक दिन मेरे ऑफिस में मेरा एक दोस्त आया और उसने बोला विजय तू जिंदगी भर से हमेशा से तू पैसे के लिए परेशान है। मैंने बोला हाँ। बोला तेरे लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूँ जिसको देख के तू पागल हो जाएगा। मैंने बोला कैसे। बोला ऐसा एक बिजनेस प्लान लेके आया हूँ, उस बिजनेस को मैंने शुरू किया है, तू भी अगर करेगा तो तू भी करोड़पति बनेगा और मैं भी करोड़पति बनूंगा। हर हफ्ते यहाँ से इनकम मिलती है, ये होता है, वो होता है, गाड़ियाँ आएंगी, सपने पूरे होंगे, सब कुछ। उसने जैसे ही बोलना चालू किया तो मैं समझ गया, मेरे को तुरंत सारी बात समझ में आ गई। क्या जिसको किसी ने पागल बनाया है वो ये मुझे बनाने के लिए आया। मैंने बोला भाई मैं ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, दोस्त था। मैंने कहा सर तू चल के आया है, तू मेरे पास कुछ चल के आया है तो खाली हाथ नहीं भूजूँगा। मेरे पास एक महीने में सिर्फ एक ही दिन पैसे होते हैं, वो होता है जिस दिन मुझे सैलरी मिलती है। मतलब ईमानदारी से पिछले 14 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड था, एक दिन से ज़्यादा मेरे पास अपनी सैलरी कभी टिकी नहीं। यहीं पे पास में आगरा बोल के एक जगह है, सुना आपने? आगरा मेरी पहली पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स में रहते थे। बाहर जितनी भी दुकानें हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ तो लोग विश्वास नहीं करते इस बात पे, कहते ऐसे कैसे हो सकता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जितनी भी बाहर दुकानें होती थी हर जगह, जहाँ से भी हमें खरीदारी करनी है हर जगह हमारा खाता चलता था, है ना। कुछ भी सामान लिया और उनके कॉपी में या रजिस्टर में लिख दिया, तो लिख लिख के पूरा महीना चलता था। जिस दिन सैलरी मिलती थी उस दिन अपन पैसे जेब में डाल के निकलते थे। हाँ भाई कितने तेरे कितने हो गए, 380 रुपये पकड़, तेरे कितने हो गए, 700 रुपये पकड़।
सौ रुपए पकड़, एक डेढ़ घंटे के अंदर एक चक्कर लगाया और जेब खाली, मामला खत्म। आजकल घूमना नहीं पड़ता, आजकल तो मोबाइल से ही काम हो जाता है। मोबाइल में मैसेज आता है कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, पीछे पीछे मैसेज आता है कि आपकी ईएमआई कट गई, आपने जो लोन ले रखा है उसकी ईएमआई कट गई। फिर आता आपका बिजली का बिल कट गया, फिर आता आपका टेलीफोन का बिल कट गया, फिर आता आपका पानी का बिल कट गया, फिर आता आपने जो एसआईपी कर रखी है वो कट गई, और शाम होते होते मैसेज आ जाता है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करिए। ऐसे ही होता है। तो मेरा वो दोस्त, उसने मुझे जब बताया, मैंने उसको बोला जिस दिन सैलरी मिलेगी उस दिन आके पैसे ले जाना। सैलरी वाले दिन वो आया, मैंने उसको पैसे दिए, और पैसे देते वक्त मैंने ये बोला कि आज के बाद इस बिजनेस के बारे में मेरे से बात मत करना, मुझे ये वाला काम नहीं करना, मेरी जो जिंदगी चल रही है उसी में मैं खुश हूँ और संतुष्ट हूँ, ये मैंने उसको बोला। और बोल के मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अगले दिन सुबह सुबह 9:30 बजे वो मेरे ऑफिस में आया, आके बोला विजय क्या हाल चाल है। मैंने बोला